हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा के अंदर सरल करेंगे। हम पार्ट बी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 1AA² 1BB² 1CC² सारणी का मान बराबर होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देखो, सबसे पहले सारणी के कुछ रोचक गुणधर्म होते हैं। जैसे ये सारणी के 1, 2, 3, 4, तो इसका मान क्या आएगा? इसको देखो, तिरछा गुणा कर दो, 4 - 6, तो इसका मान आ गया -2। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें से मैं दूसरी पंक्ति को घटा देता हूँ। जैसे मैंने 1 - 3, 2 - 4, और ये वापस ऐसे ही रखा 3, 4, तो ये हो गया 1 - 3 - 2, 2 - 4, ये हो गया -2, और ये 3, 4 ऐसा ही है। जब इसको मैं वापस तिरछा गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -8, माइनस और माइनस का 6, -8, माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस, ये बचा -2। इसका मतलब सारणी की पंक्ति में जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस मान वही आएगा -2। मतलब सारणी की एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाने से सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मैं इस पंक्ति में से ये सेकंड पंक्ति घटा रहा हूँ, तो देखो इसको मैंने लिख दिया 1 - 1 यहाँ पे, फिर मैंने लिख दिया 1 - b, ये रहा a² - b² ये रहा a² - b², फिर मैंने इसको ऐसा ही रखा सेकंड पंक्ति और थर्ड पंक्ति को 1 b b² 1 c c², फिर मैंने प्रथम पंक्ति को ऐसे ही रखा, द्वितीय पंक्ति में से तृतीय पंक्ति को घटा दिया, मतलब ये सेकेंड पंक्ति में से इस थर्ड पंक्ति को घटा दिया, तो ये देखो ये मैंने लिख दिया 1 - 1, फिर मैंने b - c, फिर b² - c² और थर्ड पंक्ति को ऐसे ही रखा, तो जब 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो गया, फिर बाकी जो मान है वैसा का वैसा ही रहा है। इसी प्रकार सेकेंड पंक्ति में देखिए 1 - 1 0 हो गया, बाकी जो मान है वैसा का वैसा ही रहा है, थर्ड पंक्ति बिल्कुल ऐसी कैसी है। अब हम इसको प्रथम स्तंभ के सापेक्ष खोलेंगे, तो जैसे प्रथम पंक्ति में ये 0 है, द्वितीय पंक्ति में 0, तृतीय पंक्ति 1 है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 1, 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपा लेंगे, तो बचा क्या 1 a - b और b² - c², फिर -a² - b² b - c, a - b और b - c मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, जब इसको खोलेंगे b² - c² को, तो ये बचेगा p + c b - c, तो b - c तो बाहर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा b + c, इसी प्रकार ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसको भी खोलेंगे a + b a - b, तो जब a - b तो बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा a + b, और b - c बाहर कॉमन है ही है। अब इसको हम सरल करेंगे, तो देखो a - b b - c, ये तो ऐसा कैसे ही है बाहर वाला, इसमें ये जो माइनस है ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b, जब माइनस का b और ये प्लस का b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से c और माइनस का a, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया a - b b - c c - a, ये हमने सिद्ध कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।